ब्लीच एपिसोड 16 द फंडामेंटल वायलेंस। हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से पूरी तरफ रेड हो चुका है हर चीज़, एंड ये चीज़ हमने एपिसोड 15 में भी देखी थी। जिनके पास बैंका ही नहीं है वो किस तरीके से फाइट कर रहे हैं क्विंसीज के साथ, एंड यहाँ पे सोल सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच चुकी है। वहीं पर हमें और भी मेम्बर्स को दिखाया गया जो कि फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे बैस भी जो होता है एक फायर फ्लैश मारता है एंड ये तोशीरी के ऊपर जाकर लगता है, जिससे तोशीरी जो होता है काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। वहीं पर और भी मेंबर्स को दिखाया गया है जो कि इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि बैसबी के बगल में एक और बंदा आता है एंड इस बंदे का नाम हमें आगे चलकर पता चलेगा, जिस पर वो कहता है कि मैजिस्ट्री ने कहा है कि जिनके पास बैंकाई है सिर्फ उन्हें ही ख़त्म करो, जिनके पास नहीं है उन्हें बचा कर रखो। सेम चीज़ तोशीरो एंड इस लड़की के लिए भी था जिसे मात्सुमोतो कहते हैं। मात्सुमोतो को देखकर ऐसा बहुत ज़्यादा शौक में होता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम भी मारे जाओगे, मैं कैंगजो द आयरन ये कहता है, एंड हमें पता चलता है इसका नाम कैंगडू है। एंड कैंगडू अब यहाँ पर उससे पता चलता है कि पिछली बार तोशीरो की फाइट कैंगडू से ही हुई थी, जिसकी वजह से उसका बंकाई जो है इस कैंगडू के पास ही है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे उराहरा ने कॉल किया होता है यहाँ पर, एंड इस चीज़ को वो बताता है कि रिक्लेम किया जा सकता है बंकाई को। इसी के साथ वो एक चीज़ और बोलता है एंड वो कहता है कि मेरे लिए केक रेडी कर रखना क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। खैर, चुराई हुई बंकाई को रिक्लेम किया जा सकता है ये सब बात वो बताता है, एंड वो सभी लोग तारीफ भी कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहता है कि इनसे तुमने जो काम किया है वो इलीगल है। एंड तभी यहाँ पे उराहरा जो होता है वो एक जगह से बाहर निकलता है, एक पोर्टल से बाहर निकलता है, एंड वो कहता है कि मैं यहीं पर खड़ा होकर तुम्हें कॉल कर रहा था। एंड ये सब कुछ कहने के बाद ही बताता है कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि तुमने ये सब चीज़ें या फिर क्विंसीज के से तुमने क्विंसीज के जो शेडोज थे उनसे बनाया है टेलीपोर्टेशन। वहीं पर हमें और भी चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ इंसेक्ट्स आ रहे हैं जो कि इनके सिस्टम्स को करप्ट कर देते हैं, एंड जहाँ पर ये लोग अपने अपने टेलीपोर्टेशन के थ्रू उनके पास एक बीज भेजने वाले थे जो कि एक तरह का सिंथेटिक पेम आई मीन पल्स है, जो कि खाने के बाद इनकी बंकाई जो है रिकवर हो जाएगी। खाने पर भी नहीं, इनके टच करने पर ही इनकी बंकाई को रिक्लेम किया जा सकता है। एंड ये सारी चीज़ें वो बताता है कि क्विंसीज ने किस तरीके से हॉलोस को एब्जॉर्ब किया है एंड यहाँ पर इचिको ने उनसे फाइट करी थी। ये सब कुछ बातें जो होती है पिछली बातें होती हैं एंड इनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। यहाँ पर वो और भी चीज़ों को कुछ बारे में बताता है कि किस तरीके से उन सभी लोगों की बैंकाई को चुरा लिया गया था, एंड यहाँ पर वो उराहरा कहता है कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं और ये फिर चुराई हुई चीज़ों को वापस कर देते हैं तो इससे हमें बस एक ही चीज़ का बेनिफिट होगा कि उनकी बैंकाई लौटने से हमारी एक उम्मीद लौट आएगी। ये सब कुछ वो कह रहा होता है एंड उराहरा इस चीज़ के बदले कुछ चाहता भी है। नहीं नहीं, वो जो सोच रहे हो वो नहीं चाहेगा, वो केक बस चाहता है। खैर, यहाँ पर सभी लोग रेडी होते हैं एंड यहाँ पर वो भी बताते हैं कि उनका सिस्टम भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर उराहरा कहता है कि ठीक है, जितने लोग हो सके उन सब के पास भेज दो। एंड यहाँ पर हमें शिंजी को दिखाया गया है जिसके सामने एक पिल पड़ी होती है, बस उसे उस पिल को टच करना रहेगा और टच करते ही उस पिल से एक धुआं निकलने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर की बंकाई भी वापस आती है। धीरे धीरे वो सब कुछ बताना स्टार्ट करता है, मेरा मतलब उराहरा से है। वो ये भी बताता है कि किस तरीके से क्विंसीज का समय पहले भी ख़त्म किया जा चुका है और अब ये दोबारा से इन्होंने अटैक किया है। वहीं पर हॉलोज की पावर का यूज़ करते हैं ये लोग। यहाँ पर वो एक चीज़ और दिखाया गया कि तोशीरो के पास भी उसकी बैंकाई जो होती है धीरे धीरे लौट रही होती है, एंड तभी एक खून की बूंदें कुछ बाहर की तरफ गिरती हैं, एंड ये कुछ और नहीं, यहाँ पे कैंगडू को ऊपर अटैक किया गया होता है बाय तोशीरो, एंड तोशीरो इस फाइट को अब शायद इजीली जीत भी ले। वहीं पर वो रोबोट जो कि हमारी जो भी नाम था इस लड़की का, वो भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक बंदा था जो कि प्रोटेक्ट करता है और उसके हाथ पर वही पिल रख देता है, जिसकी वजह से उसकी बंकाई वापस आती है। इस पर वो कहता है कि इतना क्लोज अटैक किया है मैंने, जिस पर वो लड़की रिकवर नहीं कर पाएगी भले ही वो तुम्हारी कैप्टन क्यों ना रही हो। इन सब कुछ कहने के बाद भी वो वापस से अपनी बंकाई का यूज़ करती है क्योंकि अब उसका बंकाई वापस आ चुका था, एंड इस धमाके में शायद वो रोबोट नहीं बचा होगा। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है तोशीरो को जो कि फाइट कर रहा होता है कैंगडू के साथ,
एंड यहाँ पे कैंगडू काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होता है। तो वो सोचता है कि वो जीत जाएगा एंड वो कुछ फाइट स्किल्स को यूज़ करता है तोशीरो के खिलाफ, लेकिन तोशीरो है, उसकी मास्टर एबिलिटीज़ थी, हर चीज़ पे उसको एबिलिटीज मतलब मास्टर कर चुका था, और अब उसकी बैंकाई पूरी तरह से वापस आ रही होती है। एंड यहीं पर वो कहता है कि शिट, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और यहाँ पर देखने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड ये एक प्लस का साइन टाइप में बन जाता है ये अटैक पर। यहाँ पे कैंगडू शायद अब इस दुनिया में ना रहे, वहीं पर वो रोबोट की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं पर हमें एक बंदी को दिखाया गया है एंड इस बंदी को हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखा, पिछले सीजन्स में भी देखा है, मतलब थाउजेंड ईयर ऑफ ब्लड वॉर की, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शिंजी के ऊपर काफ़ी सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन शिंजी के पास अब खुद का भी बंकाई आ चुका था, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस अपनी बंकाई पावर का यूज़ करते हुए अपने आप को एक छोटी सी चीज़ में कवर कर लेता है। एंड इसका नाम उसने साकाशिमा, योकोशिमा, हपो जो भी नाम है उसका यूज़ करता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर जब अटैक करता है तो उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है, ये चीज़ वो खुद नैरेट कर रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि इस पावर ने कर दिखाया। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सभी के पास धीरे धीरे उनकी बंकाई लौट रही है, लेकिन वो अपना एक प्लान बनाकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है एंड इस 69 को तो याद ही आपको। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इन सबकी बंकाई जा चुकी थी, लेकिन फिलहाल इनकी बंकाई वापस आ गई, लेकिन इस बंदे को वो बात पता नहीं थी। इन्हें लगता है कि इनकी बंकाई आई ही नहीं है, जिस पर वो कहता है कि तुम हमें वीक मत समझो। अब यहाँ पर वो उन्हें चैलेंज करता है कि आ जाओ मुझसे फाइट करो, एंड इस चीज़ को देखकर वो बिल्कुल ही शॉक में होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ये बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो हमसे नहीं जीतेगा। यहाँ पर वहीं एक लड़की को दिखाया गया, एंड इस लड़की को हमने पहले भी देखा, जिसने अपनी खुशी बस के लिए एक बंदे को ही पेल दिया था, और ये जब पीछे मुड़कर देखती तो इसे लगता है कि कोई इसे देख रहा है लेकिन दिख नहीं रहा उसे, तो वो गुस्से में आ जाती है एंड काफ़ी बड़ा धमाका कर देती है उस जगह पर, जिसकी वजह से वहाँ पर हर चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों के बाद वो कहती है कि हाँ, अब शायद ये लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे। तभी यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, ऑर्डर लेकर आया था यवॉच की तरफ से, एंड वो कहता है कि ज़्यादा देर मत कराओ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि आई गेस तुम हीरो तो नहीं हो, विलन ही होगे। एंड ये सब कहने के बाद वो उस लड़की के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो जो लड़की होती है वो उस अटैक को देख रही होती है, एंड ये उसके लिए एक इल्यूजन टाइप में क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे जो शिंजी होता है वो ऐसे ऐसे अटैक मतलब खतरनाक लेवल के पावर दिखाते हैं कि वो लड़की जैसे ही पकड़ने जाती है तो वो उसे आगे वाली चीज़ों पे एक इल्यूजन दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के बाद वो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो क्या चल रही हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि वो लड़की फिर से अटैक करती है, अपने पावर्स का यूज़ करती है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं। शिंजी को वो कहती है कि वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगी शिंजी। एंड ये कहने के बाद वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि इस लंबूचंद भोसड़ी इस व्यक्ति के बारे में, जहाँ पे 69 हमारा बहुत अच्छा फाइट कर रहा है। खैर, ये 69 जो होता है उसे एक चेन से पकड़ कर रखा होता है, एंड यहाँ पर वो उस पर अटैक करते हैं मिलकर, जिसकी वजह से व्यक्ति भी हारने वाला होता है। वहीं पर हमें ये लड़की को दिखाया गया फिर से, क्योंकि शिंजी के खिलाफ अभी भी फाइट कर रही होती है, तो यहाँ पर जोइस स्टेरेंडरेटर्स बोलने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भी लोगों के पास बैंकाई ने चुराई थी वो सभी लोग अपनी अपनी बैंकाई का यूज़ करने लगते हैं, मतलब जिन व्यक्तियों से उन्होंने बैंकाई चुराई थी उन सभी बैंकाइज का यूज़ करने का टाइम आ चुका था, और अब वो ऐसा ही करते हैं। वहीं हमें इचिको को दिखाया गया जो कि कहीं दूर जाकर ट्रेडिंग कर रहा होता है, एंड अब उसे कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, एंड इन विजन्स जो भी होते हैं ये सब पुराने विजन्स हैं जो कि उससे कभी रिलेट करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे अब वो सारे विजन्स दिखने लगते हैं धीरे धीरे, और इचिगो के आंखें और शरीर दोनों ही लड़खड़ाने लगते हैं, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बिल्कुल मिल जाए, जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ जाकर उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी मूवीज एक्सप्लेन होती रहती है। थैंक यू।